हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। जो मुझसे बड़े हैं उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। तो यहाँ पे अभी ये नाइट है और नाइट में मैंने सूजी खरीद के लेके आई थी। इसके बनाऊंगी मैं अप्पे एंड आगे भी। आज आप लोगों को मेरा बहुत ख़ास ब्लॉग लगेगा क्योंकि जिस दिन का हम इंतज़ार कर रहे थे फाइनली आज वो इंतज़ार ख़त्म। और मुझे पता है आप सब भी बहुत अच्छे से इंतज़ार कर रहे थे आरती का घर कितने जल्दी तैयार हो। हालांकि जो मेरा ये घर तैयार हुआ है वो किन हालातों में हुआ है ये आप लोगों से तो छुपा नहीं है कि कुछ चीज़ भी आप लोगों से छुपी हो। हर चीज़ आपको पता है और कितने मुसीबतों से ये घर बना है मेरा। और मुझे पता है एक एक रुपए मैंने जोड़े हैं मेहनत की कमाई, उसके बाद ये तैयार हुआ है। सो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, पर मैं बहुत मजबूरी मैंने बनाया है। सो चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। आज पूरा फाइनली तैयार हो गया है, थोड़ा बहुत रह गया है। सो बनता रहेगा धीरे धीरे, पर इतना तो अभी हो गया है। और बाहर बहुत फैलान फैली है, रात को हम थक गए थे। सो मैंने इसको दही डाल के रख दिया है। अभी सीधे सुबह मिल रही हूँ आप लोगों से। तो अच्छा, मैं इनको तो सुबह ऐसे रोटियां दे रही क्योंकि अभी इनका शुगर थोड़ा सा हाई है तो इनको भूख बहुत लगती है। इनसे इनका काम नहीं चलने वाला है। सो हम ये देव को टिफिन में रख देंगे और मेरे लिए हो जाएगा। और वो देखो आपको चटनी पिसी दिख रही है ना, तो वैसे मैं इनको चटनी और हल्का सा तेल लगा के पराठे सेक दूंगी क्योंकि धनिया वगैरह तो ये खा सकते हैं, बस टमाटर नहीं खा सकते। तो मैंने धनिया, मिर्ची और एक दो लहसुन की कली डाली, उसी की मैंने चटनी बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने बस एक तरफ आपको देख रहे हैं, शिप को भी मैंने लिया था थोड़ा बहुत। जब शिप रोने लगता है तो मैं उसको ले लेती हूँ, ज़्यादा तो मैं उसको नहीं रुलाती हूँ। आप भी बोल रहे थे आरती आप मत रुलाया करो। तो ये हमारे अप्पे तैयार हो गए, ये देखिए। और सच में इतने अच्छे बने थे कि क्या बताऊं मैं आप लोगों को, बहुत अच्छे बने थे। बहुत कम ऑयल डाला था। और आप लोग कौन कौन ट्राई करते ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों के मुंह में पानी आया कि नहीं आया, ये देखिए हमारी ग्रीन चटनी बनके हो गई तैयार। अब तो हमारा इतना आप फैलान फैलाई देख सकते हैं, ये सब अभी समेटना है जहाँ तहाँ समेन हो गया था। और ये प्रॉपर मैं पीछे का आप लोगों को बता रही हूँ, ये देखिए ये वो खिड़की लगाई गई है। शायद आपको आवाज़ मेरी आ रही कि मुझे नहीं आ रही, मुझे नहीं पता। अभी मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाऊंगी, यहाँ पर ट्राईपॉड सेट कर दूँ उसके बाद में। तो अभी हमें देखिए कितना सारा भी सामान करना है। ये जो प्रॉपर वो पूरी तरीके से तैयार हुई, ये और ये स्लाइड अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को, वरना ऐसे आप लोगों को चीजें क्या समझ में नहीं आती है। और मुझे इतनी भूख लगती है मत पूछिए। सो यहाँ पे अपने गेहूं भी बगरा रही है, दूसरे के छत में डाले थे। हमारी छत में अभी काम फैला है जो कि आप लोगों को मैंने बता दिया है। आज तो मैंने भरपेट नाश्ता किया था, मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगा। वैसे मैं नाश्ता कभी कभार ही करती हूँ, जब कर लेती हूँ तो मुझसे काम नहीं होता है, अलहाली आ जाती है। तो यहाँ पे मैं गेहूँ डाल दूंगी। और भरपेट नाश्ता किया था थोड़ा सा, फिर बैठी चाय पी और फिर काम पे अपने लग गई। सो मेरा काम तो ऐसे ही होता रहेगा। और गेहूँ मैं इनको मैंने कहा फैला दूँ तो हमारे एक दो दिन में तो सूख ही जाएंगे गेहूँ। और चलो कल ऐसे महक रहे थे, पर यह है कि अब इसकी जो स्मेल है वो उड़ चुकी है क्योंकि पानी वाला मौसम, थोड़ी देर बस पानी गिरा है आधा घंटा से भी कम और उसी में गीला हो गया था। और यहाँ पे देखिए आप मेरा कबाड़ा देख सकते हैं, जो थोड़ा बहुत कार्टन था तो उन्होंने कहा कि आप इसको अलग मत करना, ये ना बिक जाते हैं कार्टन। और हमारे पास कार्टून वगैरह आते हैं, जैसे मेरे कुछ पार्सल आते हैं, बड़े पार्सल रहते तो उन्हीं सब में पैक होके आते हैं, तो मैं इन्हीं में सामान रख दूंगी। और देव भी आगे पीछे हो रहा था, एक्चुअली उसको थोड़ा सा ना कोल्ड हो गया है और आपको पता सर्दी वाला मौसम हो गया है,
तो इस वजह से, और अभी मैं आप लोग को जितना बता रही इतना तो तैयार हो गया, अभी थोड़ा बहुत और फिनिशिंग आना बाकी है, तो शायद आज की वीडियो में और बता दूंगी, नहीं होगा तो फिर कल एक दो दिन में आपको पता चल ही जाएगा। पर ये है जो स्लाइड लग गई हमारी पीछे साइड वाली, इधर से बहुत डस्ट आती थी, ये तैयार हो गई, अब तो कोई मेरा घर भी नहीं पहचान पाएगा। और यहाँ पे ये देखो, ये मेरे साथ हेल्प करा रहा, उसको पता है कि मम्मी अकेले काम करे, शिप को मैंने सुला दिया फीट वगैरह करके यहाँ वहाँ। अभी तो कुछ बहुत कुछ आपको क्लीन साफ दिख रहा होगा, इसके पहले रात में इतना फैला था, इतना फैला था मत पूछिए। और मैं इसको थोड़ा बहुत चिल्ला भी रही थी कि मेरे को परेशान मत करो, क्योंकि रो रहा था। और यहाँ पे ये जो डले हुए थे, तो मैं इनको बोल रही थी कि वो भैया ने क्या बोला था, ले जाएंगे बोल रहे थे, हाँ क्योंकि ये ना ये चीज़ें बिक जाती है, तो मैंने कहा कि चलो हम इसको कर देते हटा देते, पहले ये वहाँ टिके हुए थे, मैंने कहा रख लूँगी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला जो घर बना रहे हैं कि क्या करोगे आप, ही कोई मतलब का नहीं रहेगा, इससे अच्छा कि आपके पास दो भी पैसे आएंगे, ये देखिए ये भी जो कार्टन बचा है ना, ये भी सारी चीज़ बिक जाएंगी। तो इसमें मैं आपको बता दूं, ज़्यादा ठोका पीटी भी नहीं हुई है, ना ज़्यादा कुछ ऐसी खुदाई हुई है। और यहाँ पे मैं आप लोग को ये बता दूं कि खील बस लगे हैं, वो भी कहीं कहीं खील लगे, बाकी हर जगह क्लिप लगाई है, जो कि सेपरेट क्लिप है, ये नहीं कि हवा आई तो उड़ गया, नहीं। और ये इस तरीके से है, और यहाँ पे मैं आराम आराम से उठाई थी, इतने भारी थे ना ये, मत पूछिए, आपको ऐसे लाइट वेट दिख रहा है बट बहुत भारी थे। और मुझे भी लगता है थोड़ी बहुत सर्दी हो गई, एक्चुअली रात भर 12 बजे तक पानी से काम किया, फिर सुबह 5 बजे फिर लग गई, थोड़ा रेस्ट की फिर लग गई। ये देखिए ये ना मेरे ऐसे ही पैरों में गिर गई थी, और मैं आप लोगों से बार बार ये बताई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से काम स्टार्ट करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, ये करूँ कि वो करूँ। ऐसा होता है ना जब हम बहुत सारा फैला लेते हैं तो समझ में नहीं आता है, मुझे भी यही होता है। ये जो कार्डबोर्ड है मैं सीढ़ी के पास रख दूंगी, वो बोल रहे थे हम खुद ही ले जाएंगे, तो हम आपसे कम पैसे ले लेंगे, या जो वो हमें देंगे वो हम आपको दे देंगे। तो यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत तो आपको फिर भी साफ सुथरा दिख रहा होगा। और ये चटाई जो है उसको मैं अलग कर दूंगी अब, और जो थोड़ा बहुत सामान है, ये जो साइड है ना, जो आपको साइड वाली स्लाइड दिख रही है वो पूरी हो चुकी है, पर इस साइड वाली नहीं लगी है, जो चूल्हे की है वो आधी लगी है, इसलिए मैं आपको अच्छे से नहीं लुक बता पा रही। एंड मेरा ट्राईपॉड भी अभी से थोड़ा सा टूटा हुआ है, इसलिए वो कैमरा ज़्यादा हिल रहा है, इसलिए आपको वीडियो भी क्लियर नहीं आ रही होगी। ये जो कपड़े का अलमारी था पहले हमने साइड रखे थे, पर धीरे धीरे मैं जगह बना रही हूँ कि अगर इसको हम यहाँ रख दें, उसको हम वहाँ रख दें, होता है ना, पर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था इस टाइम, तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, और हालत भी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। पर ठीक है, कम से कैसे कहते हैं ना, चींटी एक बार चढ़ती है फिर उतरती, फिर चढ़ती उतरती, ऐसे ही कम से कम चलो थोड़ा बहुत मैंने सोचा, दिमाग लगाया, खुद का दिमाग लगाया, एंड सबसे पूछा, आप सबसे पूछा, आप लोगों ने अपनी दिमाग अपनी राय दी, तो कम से कम ये मेरा तो हो गया। और जैसे अगर हम मकान कभी खाली करेंगे, आज नहीं कल परसों, कभी भी करेंगे भविष्य में, तो ये स्लाइड ना निकल सकती है, और जहाँ हम रहेंगे वहाँ लगा सकते हैं, और नहीं भी रहा तो हम इसको फिर बेच सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है, इसलिए ये चलता फिरता वाला है। ये देखो ये इतना सारा कचरा वहाँ पे था, और इसके पहले तो मैंने निकाल चुका है, पर यही ना कि बार बार पलंग उठाना धरना हो रहा था, तो मुझसे नहीं हो पा रहा था, और जैसे धीरे धीरे होता रहेगा, आप लोग तो है ही। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे आरती थोड़ा सा आप वीडियो क्लिप छोटा करने की कोशिश कीजिए, छोटा मैं बहुत करती हूँ, पर आप लोगों को पता भी तो चले कि आरती आपकी कितना काम कर रही है, कितना मैनेज कर रही है। अगर आप लोगों मेरा स्ट्रगल नहीं देखेंगे तो मेरा ब्लॉग तो आप लोगों को कहाँ पसंद आएंगे ना, इसलिए ये देखिए। उसके बाद ये खटिया भी हमारी नहीं है, जिनका ये मकान है वो उन्हीं की है, और कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी ले जा सकती हैं जब जब उनकी नज़रों में नहीं पड़ेगा। ये देखो मैं यहाँ से आप लोग को ये बताई थी कि देखो यहाँ से जैसे कि हमें थोड़ी बहुत हवा आनी है, जैसे पूरा पैक रहेगा घर, थोड़ी बहुत स्लाइड हम खोल सकते हैं, और वहाँ से खिड़की, तो पहले मेरा खिड़की का दिमाग नहीं था, मुझे लगा पूरा पैक कर दो, तो फिर जो भैया बना रहे थे उन्हीं ने बताया कि आप एक खिड़की बना लो, जैसे कि कोई आया है कोई जा रहा है तो आप देख सकते हैं, और थोड़ी बहुत तो हवा आनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़े बहुत ना अच्छा रहता है खिड़की लगने से। हमने कहा ठीक है भैया आप लगा दो, उन्होंने कुछ डेमो वीडियो भी बताई थी। ये देखो तो इतना मेरा साफ हुआ है, और अब मैं यहाँ पे बिछा दूंगी चादर, चादर मैं अभी मैं सुलाऊंगी नहीं, पर मैं देख रही हूँ धुल के बिछाऊंगी, तो अभी मैं थक गई थी करते करते। ये देखो
मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे करूं कैसे नहीं करूं, कि उठाधरी बहुत हो गई है। जब से मेरे यहाँ काम चल रहा है ना, जब से मेरे साथ उठाधरी उठाधरी यही चल रहा है। और आज देव की स्कूल भी जाना था। एक्चुअली जो बटरफ्लाई बनाई थी ना, आपको बताया था मैंने, उसका एग्जीबिशन डे है, तो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक है। तो मुझे ये भी लग रहा था जल्दी हो जाए, फिर मैं जल्दी खाना बना लूँ, देव को नहला दूँ, शिव की मालिश कर दूँ, उसके बाद ये करूँ। तो जब हमारे दिमाग में बहुत तरह की बातें घूम रही होती, तो हमारा लगता है कि हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, पर होता कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं अभी चादर बिछाए दे रही, क्योंकि आज मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। ऑलरेडी जो पुराने कपड़े हैं ना, मतलब गर्म स्वेटर वगैरह मैंने निकाली हुई है पेटी से। वैसे तो मैंने वॉश करके रखी हुई है, पर मैं सोची थी एक बार निकाल के इजी से और वॉश करके पहनने लायक हो जाएगी, तो उसके बाद फिर मैं ये सब धुलूंगी। तो आज वो वाले सारे काम करूंगी मैं, और यहाँ पे अभी ऐसे ही बिछा दे रही। आप लोग बताइएगा आपको ये कैसा लगा, क्योंकि ये आपकी ही राय थी। बहुत सारे कमेंट्स मुझे इस चीज़ पे आए थे स्लाइड लगाने के, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है। और ये ना फाइबर वाली है, इस पे धूप भी नहीं लगेगी, और उसके बाद इस पे हवा भी नहीं आएगी, ना कोई डस्ट आएगी। ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे शोरगुल होता है ना, वो शोरगुल भी यहाँ पे नहीं होगा, और उनके लिए ये प्रॉपर हो गया, एक रूम तैयार। और है ना, चलिए फिर आगे हम आप लोग को बताते हैं, और बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। अच्छा, बाहर वैसे ही फैला रहा फैला दी, फिर ये भी चिड़चिड़ा रहे थे कि मुझे सोना, मतलब मुझसे नहीं बोल रहे थे, पर ऐसा इंसान का बिहेवियर हो जाता है ना। तो मैंने कहा चलो पहले अंदर साफ कर दे, उनको आराम करने के लिए, उनको बैठने को, क्योंकि अभी उनका मुझे जैसे चिड़चिड़ाते हैं ना वो, तो मैं शांत रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बीपी हाई वालों का हमेशा ऐसे ही बिहेवियर रहता है। ये मुझे पहले भी पता था और अभी भी पता चल रहा है। इस वजह से मैंने ना बिस्तर चेंज कर दिया था, मतलब चादर मैं दूसरा बिछा रही हूँ, और बाहर का दरवाजा वो जो है मैंने बंद कर दिया था। और ये किचन में चले गए थे बैठने, और शिव को मैंने बाहर लिटा दिया था, और ये मेरे आगे पीछे यूं ही घूम रहा था, ये देखो। उसके बाद कुछ चादर होंगे वो उनको भी धुल दूंगी। और यहाँ पे मैं देव को बोल रही थी, देव आप ABCD पढ़ो, पर उसको नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं करना। तो देखेंगे, अगर स्कूल जाएंगे, स्कूल में हम जितना ब्लॉग बना पाए तो ठीक है, नहीं तो बट कोई बात ही नहीं है। और मुझे ये डर लग रहा है, दुख दुख की टाइप की हो रही है, कि जो मेरा बटरफ्लाई था वो कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि ना 1 वीक हो चुका बटरफ्लाई को जमा हो किए हुए, इसलिए। और यहाँ पे देव, आप लोग देख रहे हैं, देव मोबाइल देख रहा है। जब मैं काम में बिजी रहती हूँ तो ही वो ऐसा करता है, वरना मैं उसको बिल्कुल भी, मैं रहती हूँ तो बिल्कुल भी मोबाइल नहीं दिलाती हूँ। सो मैंने उसको मोबाइल छुड़ा लिया था, जो मैंने बर्तन वॉश किए थे रात को, वो अभी मैं जमा रही हूँ। और आप लोगों को मेरी स्पीड ही समझ में आ रही होगी ना, बात करने के तरीके से, वो इसलिए क्योंकि मुझे और भी काम करना है, इसलिए। सो यहाँ पे मैं अब लगा लूंगी झाड़ू, अंदर से बाहर तक की झाड़ू मेरी लग जाएगी। झाड़ू लगने के बाद, अच्छा मैं आप लोगों से एक बात का और जिक्र करने वाली थी, समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे बताऊं, थोड़ी सी मुझे शर्म आ रही है। और चलिए ठीक है, फिर कभी बताऊंगी जब मुझे अच्छा लगेगा, खुद मेरा दिल कहेगा, तो मैं आप लोगों से इस बात का जिक्र जरूर करूंगी। तो यहाँ पे मेरी किचन में झाड़ू लग गई थी, अब मैं बाहर को लगाऊंगी। और इनको मुझे लेकर जाना था, मतलब आयुर्वेदिक हॉस्पिटल लेकर जाना था, ऐसे नहीं, आयुर्वेदिक लेके जाना था। ऐसे तो डॉक्टर ने कहा कि आप पैरों का कट मतलब पैरों की जो गोखरू कटवा सकते हैं, खुद काट सकते हैं उससे ब्लेड से, पर मैं हम ऐसे घर में कैसे काट लें आप बताइए। तो हम सोच रहे हैं आयुर्वेदिक एक बार और दिखा दें, हम लास्ट टाइम जहां हमने पहले आयुर्वेदिक दिखाया था तो वो गवर्नमेंट था। हम सोच रहे हैं एक बार थोड़ा सा जो प्राइवेट आयुर्वेदिक है वहाँ पे हम दिखा दें, अगर इनको आराम लग रहा है तो ठीक है। और एक बार हमें और अच्छे से डॉक्टर को, शुगर और BP वाले दोनों डॉक्टर को दिखाना है। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे बाहर झाड़ लो, देखो ये दोनों स्लाइड है ना, वो मेरी उस साइड की एक पूरी लग गई है, यहाँ की आधी लगी हुई है। अगर मैं, आप लोग बताइएगा कि आधी ही लगवाऊं या फिर ये भी स्लाइड खिसकाने वाली लगाऊं, क्योंकि जो बाहर का गेट है ना जो आपको दिख रहा है, तो ये इतना ओपन ही रहेगा हमेशा, उन्होंने कहा अगर स्लाइड लगा लेंगे तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि ऐसी वाले से मैंने खिड़की बताई वैसी वाली लगवा लूँ तो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। और इतना कचरा देख रहा है, ये सिर्फ यहीं के कचरा है। फिर मैंने कहा चलो एक बार और लगा देती हूँ, अगरबत्ती की वो लग रही है, सांस लेते नहीं बन रही।
तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, फाइनली रूम हो गया मेरा तैयार ये वाला। और अब मेरे जो ये कपड़े रखे हुए थे गरम कपड़े, उनको मैं एक बार ही तो मैं धुल चुकी हूँ, मतलब एक बार की और बाहर लगा दी हूँ कपड़े, वो सूख रहे हैं। और अब ये दूसरी बार के जो हमारे रोज के हैं, क्योंकि रोज वाले कपड़े तो मैं रोज नहीं धुलती हूँ, एक दो दिन हो जाता है तब धुल देती हूँ। और मेरा काम ऐसे ही होता है, आप देख रहे होंगे बहुत स्पीडी वाला मेरा काम होता है। पर ये है, जितना भी मैं काम करती हूँ बड़े साफ सफाई से करती हूँ, और मशीन में ऐसे ही कपड़े एक के ऊपर एक जमा हो जाते हैं। और कुछ चीज़ें हमें लेने के बाद पता चलती है, पहले मुझे लगा था कि ये वाली मशीन भी ठीक रहती है, पर मुझे अब समझ में आया ऑटोमेटिक मशीन ही बढ़िया रहती है। क्योंकि देखो, एक तो टायर मेरे से ना कभी भी ख़राब हो जाता, कहते हैं जिसकी हैबिट बनी रहती है उसके साथ तो ठीक है, क्योंकि मेरी हैबिट नहीं है ना, तो टायर मुझसे हर बार का ख़राब हो जाता है। ये मैंने कपड़े धुल के और डाला था, पर वो गोल गोल घूम ही नहीं रहा था, अब पता नहीं उसमें क्या। फिर मैंने ऐसे वीडियो देखी सर्च करके, तो उसमें बता रहा था कि पानी डालना पड़ता है। आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता है क्या? बार बार खोलो बार बार बंद करो, मतलब आवाज़ तो आती पर पानी बाहर नहीं निकलता, ना ही सोक करते हैं, तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। आप लोग के साथ, आप लोग को पता हो तो मुझे करके कमेंट जरूर बताइएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैं हूँ नौसिखिया, मुझसे नहीं आता है। मुझे आज भी ये चलाते अच्छी नहीं आती, पर ये है कि निरमा डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन में, कपड़े डाल देती हूँ, उससे वॉश हो जाते हैं। पर डायर मुझसे अभी भी चलाते नहीं आता है, जबकि 1 ईयर होने जा रहा है, हाँ 1 ईयर आई थिंक होने जा रहा है, उसके बाद भी तो बिल्कुल भी नहीं हुए थे। मैं कपड़े ठूस ठूस के भी डाल रही थी कि चलो अब ड्रायर मेरा चलेगा, अब चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चला था। तो वही मैं कोशिश कर रही थी पर हुआ नहीं। चलिए अब हम फेस टू फेस मिलके अपने आज का ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं आपसे जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। साफ हो चुका है, मिनिमम आधा अधूरा तो हो चुका है, पर ये कपड़े फैले हुए हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे से होता रहेगा। इस स्लाइड मैंने बता दी ऊपर की, ऊपर से नीचे तक ये देखो लग चुकी है, और ये खिड़की वैसी वाली है, खोलने बंद करने वाली है। सो हम अपने आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और अब हम मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तक लिए बाय बाय। और हो सकेगा तो अभी पूरा तैयार हो जाएगा ना, थोड़ी सी अभी फ्लैट उस साइड की रह गई है, तो मैं आपको पूरा होम टूर दूंगी, है ना, क्योंकि आप लोग को भी उतनी एक्साइटमेंट है जितनी कि मुझे आप लोगों से, और जिससे मुझे इंतज़ार था इस दिन का, और आज इंतज़ार ख़त्म हुआ फाइनली। चलो एक तो तैयार हुआ हमारा। और अगर आज का वीडियो आपको इतना सभी पार्ट अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब करना। चलिए बाय बाय।